हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम केम छो कसका है केडो हालो सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज हम अपने चाचू का लगन लेके जा रहे हैं लड़की वालों की तरफ। तो आज हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथ है हसन। हसन हाँ। क्या लिए हो? तो हसन पूरा सामान लिए हुए और हम लोग रास्ते में हैं। तो शादी से पहले लगन लेके जाया जाता है लड़की वालों की तरफ और फिर उधर से भी कुछ सामान वगैरह आता है जो मुझे पता नहीं ज़्यादा। तो आज हम लोग लगन लेके जा रहे हैं और फिर मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए वीडियो। तो चलते हैं फिर अभी क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर हमके जाना है और फिर जाके आपको वहाँ दिखाऊंगा। तो हम लोग लगन लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने सामान पूरा है, ये देखिए पूरा पैक कर दिया है। तो हम हैं और हसन है क्योंकि घर में सबसे छोटे हम ही हैं और फिर हसन है और अरहम है। अरहम तो बहुत छोटा है तो इसको नहीं ले पाए। तो हम हसन जा रहे हैं तो चलते हैं फिर और फिर आपको दिखाते हैं कैसा क्या होता है। तो गाइस तकरीबन हम लोग पहुंच चुके हैं बट मुझे प्रॉपर उनका एड्रेस मालूम नहीं है। तो अभी मैं गूगल मैप में देखता हूं उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि यहां पे से दो रास्ते हैं। तो देखते हैं कि पहले वाले रास्ते से जाना है या दूसरे वाले रास्ते से। तो गूगल मैप में देखते हैं क्योंकि गूगल मैप इतना बढ़िया चीज़ है जिससे आप कहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए आइए फिर लोकेशन देखते हैं उसके बाद फिर पढ़ते हैं। पहली बार जा रहा हूँ वहाँ तो मुझे प्रॉपर अभी उनका एड्रेस मालूम नहीं है कि कहाँ पर घर है कैसा क्या है। तो गूगल मैप में देखते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। हसन देखें मैप में फिर। गाइस फाइनली हम लोग को रास्ता मिल चुका है और मैं हम लोग आगे निकल चुके थे और फिर हमने पूछा लोगों से कि भाई क्या रास्ता किधर से है। तो उन्होंने बताया कि रास्ता इधर से है। तो एग्जैक्ट अब हम लोग रास्ते पर आ चुके हैं तो अब हम लोग को सीधा जाना है। तो चलिए फिर अब वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाएंगे कि इनका घर दिखाएंगे कैसा घर क्या है सब सिस्टम। तो चलिए आइए फिर। तो रास्ता बड़ा पतला हुआ है, बड़ा मतलब छोटा रास्ता है क्योंकि बहुत दूर है हमारे घर से, बहुत दूर है और रास्ता थोड़ा ख़राब है तो टाइम लगेगा जाने में। और आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं चाचू के ससुराल और फिर उनका लगन का सामान दे के वापसी करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाना है क्योंकि शाम भी हो रही है और हमें घर भी जाना है और हमारे साथ हसन भी। हसन तो चले फिर। चलो। कुछ बोलना चाहोगे? तो हसन बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि भाई हम भी चलेंगे क्योंकि सुना है कि इसमें पैसे भी मिलते हैं। तो हसन का जुगाड़ है, हसन जुगाड़ है पैसे का। तो चलते हैं फिर, देखते हैं हसन को कितने रुपए मिलेंगे। तो चलते हैं फिर। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रास्ता ख़राब है और हम लोग इसी पर बाइक चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब, जैसे कि आप देख रहे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा भी है और धान की जो कटाई है वो चालू है। तो गाइस अभी हम लोग उनके घर के पास पहुंच चुके हैं तो अभी मैं उनके घर जाऊंगा फिर उसके बाद ही आपको सब कुछ बता पाऊंगा क्योंकि घर में तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो मिलते हैं फिर, घर से होके आते हैं लगन का सामान देख के फिर आपसे मिलते हैं। तो चलते हैं फिर, घर के अंदर जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और सुनाओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ। ये इधर वो रमजान के चांद वाला उठाओ। रमजान वाला, रमजान वाला, रमजान के चांद का चांद आ गया। कैसे? अरे चांद नजर आ गया। तो गाइस हम लोग उनके घर से आ चुके हैं और लगन का पूरा सामान हमने दे दिया है और नाश्ता भी किया, बिस्किट, केला, नमकीन और भी बहुत बहुत सारी चीज़ थी जैसे कि आपने देखा। और वहाँ छोटा सा बच्चा था जिसका नाम जैन था जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और अभी हम लोग रास्ते पे हैं, घर की ओर जा रहे हैं तो हमने सोचा कि आपसे बात की जाए। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे धान की खेती है पूरी तरफ और धान पूरी तरफ पक चुके हैं और इनकी कटाई चालू है। 500 रुपये मिले हम लोग को। तो अभी चलते हैं, रास्ते में पार्टी करेंगे हम हसन और आज पूरे कैमरे की जिम्मेदारी हसन संभाले हुए। आज मेरा कैमरामैन हसन है। तो आज लगन थी, चाचू का लगन का सामान था तो हमें लेकर आए। तो चलते हैं फिर, घर चलते हैं क्योंकि लंबा सफ़र है, हम लोग को जाना है, शाम भी हो रही है। चलते हैं। लो आओ पियो।
है बाबू? अच्छी है, मज़ा आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लस्सी है, महाराजा लस्सी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तभी आप आते हैं ज्वालागंज बस स्टॉप, ठीक उनके सामने महाराजा लस्सी है, तो आप यहाँ आकर एक बार टेस्ट करें। बहुत ही बेहतरीन लस्सी बनाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और आपको इसमें वैरायटी मिल जाएगी 25 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। तो ये 30 रुपये वाली है। अगर आप कभी फतेहपुर आते हैं और ज्वालागंज बस स्टॉप में आते हैं तो सामने बोर्ड लगाया महाराजा लस्सी का, आप यहाँ आ सकते हैं और टेस्ट करिए, बहुत ही बेहतरीन है। और मैं अक्सर जब आता हूँ तो एक बार यहाँ टेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन लस्सी है। आम जो हाथ से बनाते हैं उससे ये कई गुना ज़्यादा अच्छी है। ये 30 रुपये का गिलास है। अगर आप कभी आते हैं बस स्टॉप फतेहपुर के, तो आप ज़रूर यहाँ पर चेक करें। सो गाइस, लस्सी हमने पी लिया है, तो अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो बहुत ही बेहतरीन लस्सी, तो आप लोग कभी ज्वालागंज बस स्टॉप में आते हैं तो एक बार भाई के यहाँ जरूर चेक करें। और ज्वालागंज से ठीक सामने सीधा बोर्ड लगा हुआ है महाराजा लस्सी, तो आप लोग एक बार कभी भी आते हैं तो महाराजा लस्सी जरूर चेक करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए शब्बा खैर।